उस तो ये ग्रिल इसकी टूटी हुई है, ये फिर इसके बाद में बदल दूँगा, लेकिन आज ये काम चलाने के लिए मैंने ये तो दोस्तों ये साइज है 650 mm, 4 RPM इसके 1400-2500 वाट की मोटर है, टेम्परेचर लेती है 1.1, इसको एक दोस्त फैन की मोटर बोलते हैं दोस्तों। तो ये इसमें नहीं पंखी लगा, इसमें 8 नट लगती है, ये लैग इसकी सही थी, ये इसलिए मैंने नहीं उतारी। और इसमें ये 13 नंबर का पन्ना लगता है, 13 नंबर की पेच है, तो इनको इतने टाइट भी ना करें कि ये फैल हो जाए, और इनको ढीले भी ना छोड़े। तो दोस्तों इसमें ये जो सोटन का बोल्ट होता है, अगर इसका साइज ना आपकी देखिए तो मोटर कितना स्पेशल नट होते हैं, और इसकी ये 3 चूड़ी इसमें दोस्तों, इसमें ये 3 चूड़ी चढ़ती है, अगर हम इसको ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ये फैल हो जाएगी, तो इसकी चूड़ी फैल हो जाएगी। और इसमें भी इतनी जगह है, ये सीधे साइज का है, और ये इसके साथ ये प्रेशर चल रहा है, ये यहाँ से कटा हुआ है, क्योंकि ये नट को ढीला नहीं होने देता, तो ये अगर चलना भी इसमें जरूर लगाए। तो दोस्तों इसको ज़्यादा भी टाइट ना करें और ढीला भी ना छोड़ें, अगर ये फेल हो गया तो ये फ्रेम इसका बदलना पड़ेगा, और ये 18 इंच ये लोहे की पंखड़ी है, होम करते हैं इसके कनेक्शन। तो ये सिंगल फेज की मोटर है और सिंगल स्पीड भी है। तो दोस्तों ये तो इसमें न्यूट्रल दे दिया है, और ये इसमें फेज दे दिया है, इसमें आगे स्विच लगे हुए हैं, स्विच से तार आई हुई है, और इसमें न्यूट्रल और इसमें फेज दे दिया है। तो दोस्तों ये ग्रिल इसकी टूटी हुई है, ये फिर इसके बाद में बदल दूंगा, लेकिन आज ये काम चलाने के लिए मैंने ये